और चलिए उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़ते हैं। G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए देश की राजधानी दिल्ली सजकर तैयार हो चुकी है। आज से G20 का आगाज हो रहा है और विश्व के कई दिग्गज नेता G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच गए हैं। वहीं दिल्ली में होने वाले इस सम्मेलन से दो दिन तक छुट्टी और साथ ही वीकेंड की वजह से दिल्ली और साथ ही NCR के लोग उत्तराखंड की ओर रुख कर रहे हैं, जिसकी वजह से हरिद्वार और नैनीताल में पर्यटकों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है और सड़कों पर कई जगह जाम देखने को मिला है और लोग जाम में घंटों फंसे रहे। वहीं ट्रैफिक खुलवाने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत का सामना भी करना पड़ा। तो दिल्ली NCR में कई कंपनीज की तरफ से 3 दिन की छुट्टी भी घोषित कर दी गई है। इसके अलावा वीकेंड भी है, सैटरडे संडे, जिसके चलते दिल्ली बंद है और जो रुख है लोग उत्तराखंड का कर रहे हैं, जिसके चलते हर की पैड़ी की बात कर ली जाए या नैनीताल की, लोगों की भीड़ बहुत ज्यादा देखी जा रही है, जिसके चलते जाम की स्थिति भी बनी हुई है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, दो तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर जब तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे, इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुआ, उनका स्वागत भी हुआ। दूसरी तस्वीर आपको उत्तराखंड की दिखा रहे हैं, जहां पर अब लोग दिल्ली से निकलकर उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं, जिसके चलते सड़कों पर जाम की स्थिति बनी हुई है और साथ ही बड़ी संख्या में लोग हरिद्वार पहुंच रहे हैं, नैनीताल पहुंच रहे हैं, जिसके चलते ट्रैफिक पुलिस को काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी कल और ट्रैफिक को खुलवाया गया। और नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट जुड़ गए हैं, वीरेंद्र का रुख कर लेते हैं। वीरेंद्र, अभी किस तरह के हालात वहां पर देखे जा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली एक तरह से कहा जाए तो बंद है, क्योंकि तमाम VVIP की जब मूवमेंट होगी तो वहां पर आम जनता को रोक दिया जाएगा। ऐसे में तमाम लोग अब उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं, किस तरह की स्थिति आप वहां देख रहे हैं? देखिए, जिस तरह से दिल्ली में छुट्टी है और 3 दिनों तक ऑफिस से लेकर स्कूल तक बंद है, उसके बाद नैनीताल में चहल पहल जरूर बढ़ी है और पिछले 2 दिन से जो पर्यटकों का रुख है वो नैनीताल की तरफ बढ़ा है और पर्यटन स्पॉट जो है वो पूरी तरीके से पैक है। आपने देखा होगा कि जिस तरह से पिछले दिनों पर्यटन सीजन समाप्त हुआ था, उसके बाद बारिश ने और जो आपदा आई थी और खास तौर पर हिमाचल की आपदा का असर भी उत्तराखंड पर पड़ा था, पर्यटकों की कमी खास तौर पर हो रही थी। तो अब जो है एक बार पर्यटकों का रेला पहाड़ में लगा है और G20 के बहाने जो कारोबार है उसको बूम मिला है। नैनीताल में जो पर्यटन स्थल है, चाहे वो कैंची हो, खास तौर पर जो कैंची धाम है, वहां पर पर्यटक ज्यादा संख्या में आ रहे हैं और उसके बाद नैनीताल में ये भीड़ बढ़ रही है। हालांकि पुलिस प्रशासन ने भी सारी तैयारियां की गई हैं, अगर भीड़ बढ़ती है तो इसके नैनीताल से बाहर जो 8 किलोमीटर, चाहे रूसी बाईपास हो, नारायण नगर हो, वहां पर इनको रोकने की व्यवस्था की गई है। होटल कारोबारी इस बात को लेकर चिंतित जरूर हैं कि अगर पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ती है तो प्रशासन सख्ती के तौर पर इनको शहर से बाहर रोकेगा या टूरिस्ट को यहां से डाइवर्ट कर देगा। उसका असर सीधा तौर पर उनके काम में पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से आपदा के बाद लगातार पर्यटक कम थे, होटल खाली थे, रेस्टोरेंट खाली थे, जो पर्यटन से जुड़े हुए लोग थे वो खाली बैठे हुए थे। तो एक बार भले ही G20 का बहाना हो तो नैनीताल में टूरिस्ट की भीड़ जो है वो फ्लो बढ़ा है, तो आने वाले 3-4 दिन तक ऐसे ही भीड़ रहने की उम्मीद है। हालांकि पुलिस इस बात को कह रही है कि जो शहर से बाहर है उनको पार्क करने की गाड़ियों को व्यवस्था की गई है और इसके अलावा जो अलग अलग शहर में जाम ना लगे उसके लिए व्यवस्था की है, क्योंकि हाईकोर्ट ने भी पिछले दिनों साफ तौर पर कहा है कि जो उत्तराखंड के जो 2017 की बात की गाड़ियां हैं वो शहर में ना आए ताकि जाम ना लगे, इसके अलावा पर्यटकों को सुविधा देने के लिए शहर से बाहर गाड़ियों को रोकें। तो ये कहा जा सकता है कि 2-3 दिन बहुत अच्छा काम पूरे कर लिए गए हैं। वीकेंड को लेकर कोई स्थिति इस तरह की ना बने, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर भी किस तरह से इंतजाम करने, चाहे वो पार्किंग को लेकर हो। लेकिन वीरेंद्र, मौसम विभाग क्या कहता है, अगले 2 से 3 दिनों तक किस तरह का मौसम हमें दिखने वाला है नैनीताल में या फिर पूरे उत्तराखंड की हम बात कर लें? देखिए, अगर मौसम की बात करी जाए तो पिछले 2-3 दिन से मौसम शाम के वक्त लगातार खराब हो रहा था, अभी भी नैनीताल में बूंदाबांदी हो रही है, तो ये कहा जा सकता है काफी ठंडा भी इस मौसम की वजह से हो गया है। जो पर्यटक आ रहे हैं वो इस मौसम का भी एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में अगर बात करी जाए तो गर्मी 30 से 35 डिग्री की है और नैनीताल में 15 से 17 डिग्री
हाईएस्ट तापमान है, तो शाम को टूरिस्ट जो आ रहे हैं उनको गर्म कपड़ों की भी जरूरत पड़ रही है। और इसके अलावा जो बारिश है, बारिश का अलर्ट भी मौसम विभाग ने दिया है, और नैनीताल में रिमझिम जो हल्की बारिश है वो सुबह से हो रही है, और रात में काफी तेज बारिश हुई थी और कल भी बारिश हुई थी, और आने वाले एक दो दिन तक बारिश होने की संभावनाएं हैं, क्योंकि जो नैनीताल है यहाँ पर जो लोकल रेन है वो भी काफी ज्यादा मात्रा में होती है, तो ये कहा जा सकता है कि दो तीन दिन बारिश के साथ जो टूरिस्ट है वो काफी इंजॉय करेगा। और जो ठीक है वीरेंद्र, आप नजर बनाए रखिएगा। हरिद्वार से पुलकित शुक्ला भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, पुलकित का रुख कर लेते हैं। पुलकित आप बताइए, हरिद्वार में किस तरह की तस्वीरें देखी जा रही है, बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हैं, तो क्या प्रशासन की तरफ से इंतजाम पुख्ता देखे गए हैं? देखिए अभी जिस तरह से जो है बारिश सीजन समाप्त हुआ था और उसके बाद से जो है यहाँ हरिद्वार में जो है सड़कों पर, गंगा घाटों पर और यहाँ के जो बाजार हैं मुख्य बाजारों में बहुत ज्यादा लोगों की चहल पहल नहीं थी, लगभग सन्नाटा यहाँ पर पसरा हुआ था। लेकिन पिछले दो दिन से जिस तरह से दिल्ली एनसीआर में G20 सम्मेलन हो रहा है और तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष वहां पर पहुंचे हुए हैं, और लोगों के लिए, आम लोगों के लिए कई चीजें जो है वो बंद की गई हैं, छुट्टियां वहां पर की गई हैं, सरकारी ही नहीं बल्कि जो कई प्राइवेट जो संस्थान है वो भी बंद है। तो उसके बाद बड़ी तादाद में जो है लोग उत्तराखंड का, हरिद्वार का और उत्तराखंड के अन्य स्थानों का जो है रुख कर रहे हैं। हालांकि इस तरह की कोई जाम वाली स्थिति और यहाँ पर बहुत ज्यादा, तो हरिद्वार में कह सकते हैं कि नैनीताल के मुकाबले काफी हद तक राहत है। आप दोनों का तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया।